तुम यहाँ? मैं आपके पास ही आई थी। इसे मैं अपनी खुशकिस्मती समझूं या एहसास? बात करनी थी आपसे, लेकिन शायद उस बात का कोई फायदा नहीं। क्या मतलब? क्यों फायदा नहीं है? वो इसलिए कि हमारे रास्ते तो जल्द अलग होने वाले हैं, और आपने तो अपनी मंजिल भी चुन ली है। अलीज़े, मैं कुछ पूछूं तुमसे, क्या बात करनी थी? मेरा फोन प्लीज जल्दी ठीक करवा दीजिएगा। अम्मी से बात करने का और कोई तरीका नहीं है मेरे पास। अलीज़े रुको प्लीज। एक्चुअली तुम्हारा फोन बिल्कुल ठीक है, बस बैटरी का थोड़ा सा प्रॉब्लम था, मैंने ठीक कर दिया है। नेक्स्ट टाइम अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम हो तो प्लीज मुझे बता देना। थैंक यू। असुरन, तो मुझे तुमसे इस मैसेज के बारे में पूछना चाहिए, क्योंकि मेरा पूरा हक है ये जानना कि तुम किस किस से कांटेक्ट में हो। लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि तुम मेरी बात का गलत मतलब निकालो। मैं जानता हूँ तुम पहले से ही मुझसे बदगुमान हो चुकी हो। थोड़ा सा और जरूर। हाँ बस, थैंक यू रजिया। अच्छा सुनो, वो अहमर का फ़ोन आया था, वो तो यही कह रहा था कि जब से अलीज़े की शादी हुई है उन दोनों की आपस में कोई बात नहीं हुई। उसने कहा और आपने मान लिया? झूठ बोल रहा है वो मम्मी। और आप जानती हैं उसको उकसा कौन रहा है? फुप्पो। इसी वजह से अहमर लड़की देखे बगैर चला गया, वरना हमने तो अहमर को राजी कर लिया था ना रिश्ते पे। जानती आजकल राहील को भी खूब हाथों पे डाल लिया उन्होंने। राहील का भी फोन आया और उसने मुझे बताया कि तुमने आलिया के साथ बदतमीजी की। अच्छा, तो अब वो आपको शिकायतें लगा रहे हैं। शरीना, मैंने तुम्हें कितनी मरतबा समझाया है, जो कदम उठाओ सोच समझ के उठाओ, और किसी को अपना दुश्मन बनाने की जरूरत नहीं है। दुश्मन? अम्मी, दुश्मन को दुश्मन क्या बनाना। मैं आपको बता रही हूँ, वो ना हमेशा से ही मुझसे नफरत करती है, वरना अगर राहील की जिद ना होती तो मुझे वो कभी बहू ना बनने देती अपनी। ऐसी बात नहीं है बेटा, आलिया मेरी नंद है। माना कि इस रिश्ते के हवाले से हमारे बीच बहुत सारे इख्तिलाफ़ थे, लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि वो तुमसे नफरत करती। वो इसलिए क्योंकि आप अभी उन्हें जानती ही नहीं। बस करो शरीना, इतना तो ख्याल रखती है आलिया तुम्हारा, और किस घर में छोटी छोटी बात पे झगड़े नहीं हुआ करते। देखो, अपने घर का सुकून खराब करने की तुम्हें जरूरत नहीं है, और ना ही आलिया और राहील के साथ बात बात पर उलझने की जरूरत है। अभी तो उसने सिर्फ तुम्हारे रवैये की शिकायत की है मुझसे, कल को खुदा ना खास्ता अगर कोई उसने बड़ा कदम उठा लिया तो तुम क्या करोगी। मैंने तुम्हें पहले समझाया था ना, कुछ भी करो राहील को अपने हाथ में रखो, दिखावे के लिए सही उसके सामने उसके माँ बाप की इज्जत क्या करो। तो आप क्या चाहती हैं, मैं भी उन लोगों की तरह मुनाफ़कत का लिबादा ओढ़ लूं? क्या करें, मजबूरी है, दुनिया का यही चलन है, और दुनियादारी निभाने के लिए थोड़ा सा तो मुनाफिक होना ही पड़ता है, वरना तो जीना मुश्किल हो जाए।